नोमेनक्लेचर में जब हम बात करते हैं, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करना बहुत रिक्वायर्ड है उसके लिए, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। नोमेनक्लेचर वेरी कर सकते हैं, अगर नोमेनक्लेचर को हम कुछ अगर डिस्क्राइब करें तो वो कुछ ऐसा हो सकता है कि पहला नोमेनक्लेचर जैसे कि वेर्नाकुलर नेम, वेर्नाकुलर नेम जो है ये एक तरीके का लोकल या कॉमन नेम है। जो कि वर्नाकुलर नेम कहलाते हैं। कई सारे ऑर्गेनिज्म के जो हैं प्लेस टू प्लेस वो वेरी करते हैं। जैसे कि इंडिया में एक प्लांट को हम जो है गुड़हल का नाम दे देते हैं, जासून का फूल है जो, गुड़हल का जो प्लांट है वही जो है। अगर हम इसको चाइना में बात करें तो वहां पर इसका नोमेनक्लेचर अलग होगा, इंडिया में नोमेनक्लेचर अलग है उस प्लांट का। मलेशिया में बात करें तो हो सकता है वहां पर कुछ जो है प्लांट का नाम उसकी का डिफरेंट हो। तो वो वर्नाकुलर नेम जो है वो वेरी करेगा, ठीक है, बट साइंटिफिक नोमेनक्लेचर उसका सिमिलर होगा। प्लेस टू प्लेस वेरी जरूर करते हैं वर्नाकुलर नेम, बट जब हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो वो सिमिलर होते हैं। तो दूसरा नेम जो है वो है साइंटिफिक नेम। इसमें जब हम बात करते हैं तो इसके लिए कुछ डेफिनेट रूल्स हैं। और कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं जिसके बेसिस पर जो है इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि अगर हम कुछ पहले क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें कि साइंटिफिक नेम कैसे चलते थे, उनका नोमेनक्लेचर कैसे होता था, तो इनमें भी कुछ टाइप हैं। उनमें से जो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है जैसे पॉलीनोमियल, नोमेनक्लेचर। भाई पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर जो है नाम से ही जैसा पता चल रहा है कि पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये बहुत पहले यूज होने वाला नोमेनक्लेचर है 1750s के बीच में। आज ये ज्यादा यूज नहीं होता है ये नोमेनक्लेचर, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म का नाम था ये बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक हम एग्जांपल के साथ में इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक प्लांट को ऐसा कुछ नाम दिया गया कि वो अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, जैसे एक प्लांट है कैरियोफिल्लम, रॉक पर ग्रोथ करने वाला प्लांट है भाई ये एक तरीके से। इसका पहले जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर जो है पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसका कि एक बहुत बड़ा नेम है, उसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को नोमेनक्लेचर में रख दिया गया। जैसे देखिए इसका नाम क्या था पहले पॉलीनोमियल में, इसका नाम हम क्या रखते हैं, कैरियोफिल्लम सेक्सटेलिस फोलेस ग्रेमिनियस अम्बेलेटस कोरिम्बिस। सभी को अंडरलाइन कर लीजिएगा। कैरियोफिल्लम सेक्सटेलिस फोलिस ग्रेमिनियस अम्बेलेटस कोरिम्बिस, ये इस प्लांट का पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर है जो बहुत अर्लियर पहले यूज किया जाता था, क्योंकि इसमें इस प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रखा जाता था। जैसे कि कैरियोफिल्लम जो नाम ही है इसका, मतलब ये रॉक्स पर ग्रोथ करने वाली एक ग्रास है, रॉक्स पर।
इसकी लीफ जो है वो ग्रास लाइक है। लीफ कैसी है? ग्रास जैसी है इसकी। इसके जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, देखिए ग्रेमिनियस मतलब ग्रास की फैमिली है भाई, ग्रेमिनियस। फोलिस मतलब इसकी लीफ का स्ट्रक्चर। रॉक पर ग्रोथ करने वाला कैरियोफिल्लम। अम्बेलेटिस, अम्बेलेटिस मतलब जो अम्बेलेट है, अम्बेलेट कोरिम्ब, ये जो नाम है इसका, अम्बेलेट कोरिम्ब जो है ये फ्लावर का अरेंजमेंट है। इसका जो अरेंजमेंट है अम्बेलेट कोरिम्ब जो है, ये इसको हम फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज कर रहे हैं। इसके मतलब एक ही नेम में उस प्लांट के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने रख दिया यहां पर और उसका नोमेनक्लेचर कर दिया। बट ये बहुत बड़ा लेंदी नेम है, इसको याद रखना भी बहुत मुश्किल है कि हम इसको कैसे, ये बहुत डिफिकल्ट है रिमेम्बर करने में, तो ये आसान तो नहीं है ये वाला नोमेनक्लेचर। इसलिए अब इस तरीके का नोमेनक्लेचर जो है वो ज्यादा यूज नहीं किया जाता है अब इसके लिए साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जो नोमेनक्लेचर है उसके बाद फिर देखिए, जब ये हो गया तो फिर एक और नोमेनक्लेचर आया सेकंड, जब हम बात करते हैं वो है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें जब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल में, तो यहां पर बात किया जाता है, इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिएगा लेमार्क। इसमें थ्री वर्ड नोमेनक्लेचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल की वैरायटी के बारे में, अगर हम मतलब प्लांट की वैरायटी के बारे में बात करें, चाहे हम जैसे कि इंडियन क्रो का नाम, अगर हम इसमें बात करें कि इंडियन क्रो का नाम क्या होगा, देखिएगा उसका नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, ये इंडियन क्रो का नाम है। और भी कई तरीके के नाम हैं इसमें, जैसे कि एक प्लांट का नाम हम देख लेते हैं अकेशिया, बबूल का जो प्लांट है, अकेशिया निलोटिका इंडिका, देखिए ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें, अकेशिया निलोटिका इंडिका, ये इंडियन बबूल का नाम है। इंडियन बबूल एक प्लांट की स्पीसीज हो गया। मतलब जो ट्राइनोमियन नोमनक्लेचर है उसमें तीन जो है, हम इसमें थ्री वर्ड नोमनक्लेचर है, इसमें तीन वर्ड में नोमनक्लेचर है। तो ये भी फिर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लेंदी तो नहीं है ये नोमनक्लेचर, तो इसको जो है यूज किया जा सकता है। बट सबसे अच्छा जो नोमनक्लेचर जो फॉलो किया जाता है, जिसको ज्यादा एक्सेप्ट किया गया, उसके बहुत सारे रूल्स बनाए गए, फिर वो नॉमनक्लेचर है बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। तीसरा थर्ड बाइनोमियल, नोमनक्लेचर ऐसा नोमनक्लेचर जिसमें कि ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो दो वर्ड में दिया जाएगा। इसके लिए इसके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया, उन साइंटिस्ट का नाम है कैरलस लीनियस। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है
ये अपने आप में ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, इसके बहुत सारे स्पेसिफिक रूल्स हैं और यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला क्लासिफिकेशन भी है। ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस। सबसे पहले इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था, बट क्रेडिट तो इन्हीं को जाता है, कैरोलस लीनियस को। उन साइंटिस्ट का नाम है कैस्पर बोहेन। इन्होंने जो है फर्स्ट प्रपोज किया था ये नॉमनक्लेचर। इनकी बुक भी थी, उस बुक में इन्होंने जो है इसका थोड़ा बहुत डिटेल दिया था, पिनाक्स। पिनाक्स बुक में जो है इन्होंने उसकी इंफॉर्मेशन दिया था नॉमनक्लेचर की। यहां पर जब हम बात करते हैं नॉमनक्लेचर में, तो इसके कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के। बाइनोमियल नॉमनक्लेचर में जो फर्स्ट नेम होगा, जो भी फर्स्ट वर्ड होगा, उसको हम जेनेरिक नेम बोलेंगे। फर्स्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? जेनेरिक नेम को। ये है जेनेरिक नेम। जैसे कि हम बात करें मेंजी फेरा, ये जेनेरिक नेम है। मेंजी फेरा। जबकि दूसरा जो नेम होगा, जो पहला फर्स्ट वर्ड है और जो सेकंड वर्ड होगा, वो होगा स्पेसिफिक इपीथेट। मतलब ये जो है जेनेरिक नेम जिसको हम बोलेंगे जीनस, और स्पेसिफिक एपिथेट मतलब दूसरा जो वर्ड होगा वो कहलाएगा उसकी स्पीसीज। ये दो वर्ड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक जेनेरिक नेम हो गया जैसे इसी में मेंजीफेरा, और इसकी स्पीसीज है इंडिका। ये नेम है इंडिया में मैंगो का। तो देखिए फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड से जीनस और स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। मेंजीफेरा इज जीनस, इंडिका इज स्पीसीज। तो इस तरीके से हम नॉमनक्लेचर इसका पहले करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने इसको अंडरलाइन किया है, अगर मैं इसी नॉमनक्लेचर के जो दूसरे रूल पर बात करूं, कोई भी बायोलॉजिकल नेम जो है इसको हमेशा जो है लेटिन में लिखा जाएगा। इसको जो है मेंजीफेरा इंडिका को लेटिन में लिखा जाएगा, और अगर लेटिन में लिखना पॉसिबल नहीं है, और अगर हम अपनी उसमें लिखते हैं उसमें, तो हम इसको जो है अंडरलाइन करेंगे। इसके लिए ये भी रूल हो गया इसका। फिर इसके कुछ और भी रूल्स हैं, जैसे कि जब भी हम इस नॉमनक्लेचर की बात जब भी हम इसमें बात करेंगे, इस नॉमनक्लेचर में, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर में, तो हमेशा जो पहला फर्स्ट वर्ड का जो लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। देखिए मेंजीफेरा में एम कैपिटल है, जबकि जो स्पीसीज का जो लेटर स्टार्ट होगा वो स्मॉल से ही स्टार्ट होगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी इसमें। तो ये इसके कुछ रूल्स भी होते हैं हमेशा कि इसको किस तरीके से मेंशन किया जाएगा, मतलब इसके ये हमेशा रूल्स चलेंगे। दोनों को सेपरेट भी लिखा जाएगा, इनको साथ में जो है कॉम्बिनेशन में, मतलब एक ही नहीं बनाया जाएगा, और इनको जो है सेपरेट रखा जाएगा। जीनस और स्पीसीज का नेम जो है सेपरेट मेंशन किया जाएगा। कोई भी साइंटिफिक नेम जो होगा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में, उसमें लेस देन 3 वर्ड्स नहीं होने चाहिए, लेस देन 3, और मोर देन, और इसमें जो है मोर देन 12 लेटर्स नहीं होने चाहिए, ये भी फिक्स है। लेस देन 3 ना हो और मोर देन 12 लेटर्स ना हो इसमें।
मतलब जैसे मेंजीफेरा में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 12 लेटर से क्रॉस नहीं कर रहा ये, तो इस तरीके से जो है हम इस तरीके से इसके कुछ रूल्स भी बनाते हैं बायोलॉजिकल नॉमन बायनोमियल नोमनक्लेचर में। बायनोमियल नोमनक्लेचर में एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कभी हम इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमनक्लेचर की बात करेंगे, जैसे कि प्लांट के नोमनक्लेचर के लिए जो बाइनोमियल नोमनक्लेचर फॉलो होगा, दैट इज फॉर दी ICBN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमनक्लेचर। ICBN इसी तरीके का नॉमनक्लेचर का जो है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। इस तरीके के नोमनक्लेचर की हम बात करते हैं, तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, स्मॉलर लेटर कैपिटल लेटर, किस तरीके से इसको मेंशन किया जाएगा, इस तरीके से जो है हम इस नोमनक्लेचर की बात करते हैं। दूसरे, इसी में जब हम आगे बढ़े, अब इसमें नेक्स्ट जो है